दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 7 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए आयोग में नियम नहीं, फंसे शिक्षकों की बहाली। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समाप्त होने से समस्या। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको समझना ज़रूरी है। लिखा कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के दंड प्रकरणों के अनुमोदन या अनुमोदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सालों से लंबित चली आ रही शिक्षकों की बहाली फंस गई है। नए आयोग अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित मामले अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को वापस भेजे जा रहे हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से 2 अप्रैल को बरेली के DIOs को एक ऐसा ही मामला वापस भेजा गया। राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बरेली के सहायक अध्यापक अनूप कुमार मिश्र के दंड से संबंधित प्रकरण 31 दिसंबर 2015 को चयन बोर्ड को भेजा गया था। दंड समिति ने 11 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की, जिसमें शिक्षक अनूप कुमार मिश्र तो उपस्थित रहे लेकिन प्रबंधक अनुपस्थित रहे। इस कारण प्रकरण पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। 8 अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड के सभी सदस्य और 8 अप्रैल 2023 को अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया। इस बीच 21 अगस्त 2023 को नए आयोग की अधिसूचना जारी हो गई और इस वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 समाप्त हो गया। 1982 के अधिनियम में ही दंड प्रकरण की सुनवाई की व्यवस्था थी। उप सचिव नवल किशोर ने पत्र में लिखा कि नए आयोग में दंड अनुमोदन या अनुमोदन की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, लिहाजा मामला वापस बरेली भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये पूरा मामला है कि नए आयोग में सेवा सुरक्षित करने को मामले को लेकर के दंड प्रकरण को लेकर कोई भी मतलब प्रावधान नहीं है और इस मामले की पूरी जानकारी हमने उसी दिन 2 अप्रैल को ही नोटिस के माध्यम से आपको दिया था कि ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर आज न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। लिखा 100 से अधिक मामलों में सालों के बाद भी निर्णय नहीं हो पाया है। अलीगढ़ कॉलेजों के शिक्षक प्रधानाचार्यों के 150 से अधिक दंड प्रकरण सालों से चयन बोर्ड में लंबित है। इसमें से अधिकांश मामले शिक्षकों की सेवा समाप्ति के हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1982 के अनुसार दंड से पहले प्रबंधक को चयन बोर्ड से अनुमोदन लेना होता था, अब नए आयोग में गठन के साथ ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षा पर लागू नहीं है आचार संहिता, फिर भी तिथि अटकी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भर्ती संस्थाएं भले ही नए विज्ञापन जारी न कर पाएं, लेकिन पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत परीक्षा कराई जा सकती है। इसके बावजूद शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। नए आयोग में सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती भी हो चुकी है। आयोग की पहली बैठक भी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि पहली बैठक में निर्णय परीक्षा पर कोई निर्णय होगा, लेकिन बैठक में परीक्षा तिथि पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। परीक्षा तिथि अब चुनाव के बाद ही घोषित होने की उम्मीद है। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया था। 2022 से पूरी भर्ती प्रक्रिया नए आयोग के नाम पर अटकी है। अब नया आयोग का गठन हो गया है तब भी परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय पहली बैठक में नहीं हो पाया है। अध्यक्ष पद पर अब तक कोई स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने का ये नियुक्ति भी नहीं फंसी हुई मतलब नहीं हो पाएगी फंसी हुई है। अब चुनाव पूरा होने का इंतजार है। ऐसे में पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का अभी इन छात्रों को इंतजार और करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए बताया गया कि शिक्षा सेवा आयोग को अधिकारियों की प्रतीक्षा। भले शिक्षा सेवा आयोग में सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है कर्मचारी नहीं आ पाए हैं।
देखिए लिखा है, इस आयोग में एक सचिव, चार उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी सहित अधिकारियों को कुछ और पद सृजित होने हैं। तो इसमें सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उप सचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हैं, लेकिन अभी इनकी तैनाती नहीं हो पाई है। ऐसे में आयोग का कामकाज भी ठप्प है और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अधिकारियों की तैनाती के लिए जाने पर ही बैठक में लंबित जो कार्यों पर होंगे उन पर तेजी से निर्णय होगा और रोडमैप तैयार किया जाएगा। तो एक कारण ये भी है कि अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, इसी वजह से अभी तेजी पिजड़ी परीक्षाओं पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए आर ओ आर ओ को लेकर के अपडेट है कि आर ओ आर ओ परीक्षा निरस्त होने के बाद भी विवाद बरकरार है। शासन ने तो निरस्त कर दी परीक्षा पर आयोग ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है और जबकि सरकार द्वारा ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है। आर ओ आर ओ की परीक्षा 11 फरवरी को करवाई गई थी। दोनों पारियों के पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर लीक हो गए थे। इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था और इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। पेपर वायरल होने के बाद आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से परीक्षा रद्द को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थी इस पर अपना स्पष्टीकरण चाहते हैं कि UPSC भी अपना स्पष्टीकरण इस पर दे। वहीं पर देखे सिपाही भर्ती आर ओ आर ओ को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि नकल माफिया पर 21 दिन बाद भी गैंगस्टर की कार्रवाई लंबित। 15 मार्च को CEO सिराथी ने गैंग चार्ट भेजने की कही थी बात। तो लिखा है सिपाही भर्ती और आर ओ आर ओ परीक्षा का पेपर लीक कर प्रदेश भर में सनसनी फैलाने वाले नकल माफिया राजीव नयन मिश्र पर कौशाम्बी पुलिस गैंगस्टर नहीं लगा पाई है। हाल ये है कि गैंग चार्ट बनाने के 21 दिन बाद भी अनुमोदन नहीं होने से कार्रवाई अटकी पड़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई दिन हो जाते हैं यहाँ पर और गैंगस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि जो ये लोग हैं ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और दोबारा से अन्य भर्ती परीक्षाओं पर भी सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि इसने जो है 25 लाख रुपये में पेपर भेजा था। तो ये हाल है यहाँ पर देखिए है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रेलवे की JEE भर्ती में मिली अनफिट अभ्यर्थी को राहत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने जूनियर इंजीनियर पद की भर्ती में मेडिकल में अयोग्य घोषित अभ्यर्थी को पुनः स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल कराने और उसमें उपयुक्त पाए जाने पर संपूर्ण कार्रवाई 3 महीने में समाप्त करते हुए नियुक्ति प्रदान करने और उससे संबंधित सभी लाभ देने का निर्देश दिया है। यहाँ पर एक अच्छी अपडेट कि रेलवे की JEE भर्ती में जो अनफिट अभ्यर्थी था उसको यहाँ पर देखें राहत दी गई है, फिर से मेडिकल करा करके आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज के सारे सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।